लीजिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डिलीशियस चॉकलेटी स्वीट रेसिपी। दोस्तों इसे बनाना बहुत इजी है। चलिए दोस्तों इस डिलीशियस चॉकलेट को बनाना शुरू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि फ्रेश। दोस्तों मैं रुचि आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिलीशियस चॉकलेट स्वीट रेसिपी। तो इस चॉकलेट को बनाने के लिए यूज किया है 1 कटोरी कंडेंस्ड मिल्क, 1 कटोरी फ्रेश ताजा नारियल, इसकी जगह आप सूखा नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। इसको हमने क्रश कर लिया है। चॉकलेट 1 कटोरी फिलिंग करेंगे। 1 बड़ा चम्मच डार्क चॉकलेट लिया है, 1 बड़ा चम्मच बटर, 1 बड़ा चम्मच क्रश्ड रोस्टेड ये मूंगफली है, 10 से 12 बिस्किट है, बिस्किट कोई सा भी ले सकते हैं, मैरीगोल्ड या कोई सा भी, चीनी लिया है, शुगर पाउडर उसको पीस लिया है, ये गोल्डन बॉल्स। चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो बिस्किट है इसको भी हल्का दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। चलिए फ्रेंड्स इंडक्शन ऑन करके पैन चढ़ाते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं ये शुगर पाउडर। इसे मेल्ट होने देंगे थोड़ा। फ्लेम हाई कर लीजिए, जब भी थोड़ा मेल्ट होने लगेगा उसके बाद फ्लेम लो करेंगे। इसे कंटिन्यूअसली चलाइएगा, जरा भी देरी मत कीजिएगा, नहीं नीचे से जलने लगेगा और टेस्ट बिगाड़ देगा आपका एकदम। फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। देखिए इस तरीके से ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। हमने ये जो फ्रेश नारियल रखा है इसी समय डाल रहे हैं। आप चाहें तो अगर आपका सूखा नारियल है उसे चीनी मेल्ट करने के बाद ही डालिएगा, लेकिन हमारे पास ये जो ताजा नारियल था इसलिए अभी डालें क्योंकि इसमें पानी होता है ताजे नारियल में। चलिए फ्रेंड्स इसको डालने के बाद अब इसमें ऐड करते हैं ये चॉकलेट, बटर, कंडेंस्ड मिल्क, इन सबको आपको लो फ्लेम पे मिक्स करना है। अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो आप कोकोआ पाउडर को डाल सकते हैं। हमारे पास कोकोआ पाउडर नहीं था, डार्क चॉकलेट था, तो हम डार्क चॉकलेट ही डाल दिए। इन सबको धीरे धीरे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। जब एक साथ सबको मिक्स कर लेंगे तो आपकी चीनी थोड़ी बहुत भी खड़ी होगी वो मिक्स हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए इस समय ये इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पतली हो गई है। चलिए फ्लेम हाई कर लीजिए और इन सबको थोड़ा डार्क कर लीजिए। बिस्किट इसमें बाद में मिलाएंगे, लास्ट में मूंगफली की कोटिंग करेंगे। मूंगफली और गोल्डन बॉल्स से इसकी गार्निश करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, एकदम चॉकलेट की तरह दिख पा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस कंसिस्टेंसी पे। चलिए फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए कढ़ाई छोड़ रहा है, ये देखिए नीचे से कढ़ाई एकदम चिकनी आ रही है। चलिए फ्लेम बंद कर दीजिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा। चलिए फ्लेम बंद कर दिया फ्रेंड्स। अब इंडक्शन बंद करके इसे नीचे उतार कर धीरे धीरे इस तरीके से ठंडा करिए। ये धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं कढ़ाई किस तरीके से छोड़ दिया है, ये देखिए। चलिए इसी समय इसमें 2-4 बूंद वेनिला एसेंस डाल देते हैं थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है। वैसे तो चॉकलेट पड़ा ही है इसमें, आप डालना चाहे तो डालें वरना ना डालिए। ये देखिए ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए तब इसमें बिस्किट ऐड करेंगे। बिस्किट डालकर जैसे आटे का डो लगाते हैं उसी तरीके से इसे बनाना है ताकि उससे कोई भी शेप हम देना चाहे दे लें। ये देखिए धीरे धीरे इस तरीके से गाढ़ा हो रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स। चलिए अब इसी स्टेज पर इसमें थोड़ा थोड़ा ये जो बिस्किट का पाउडर बनाकर रखा हुआ है
इसे ऐड कर देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने पहले ही आपको बताया जैसे आटे का डो लगाते हैं उसी तरीके से इसे सेट करना है आपको। ये देखिए धीरे धीरे पूरा ये बिस्किट का चूर ऑब्जर्व कर लिया है, सोख लिया है। इस तरीके से थोड़ा फैला देंगे। अब इसे एक थाली में निकाल लीजिए और इस प्लेट में जो मूंगफली का चूर रखा हुआ है इसे निकाल लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बनाना शुरू करेंगे। छोटा सा इस तरीके से बॉल ले लीजिए, ये इस तरीके से कटोरी गोला बना लेंगे और इसमें इस तरीके से लगा लीजिए चारों तरफ। लगाने के बाद छोटा सा इस तरीके से करते करते बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से कटोरी नुमा बना लेंगे। चलिए फटाफट ये काम करिए ताकि ये ड्राई ना होने पाए पूरा। बस इस तरीके से लेने के बाद इसमें ये मूंगफली लगा दीजिए चारों तरफ और ये छोटी सी इस तरीके से करते हुए कटोरी तैयार करेंगे। और बनाते हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी इसी तरीके से बाकी सभी को बना लेते हैं। फ्रेंड्स अगर ये सूखता जा रहा है तो इसे ऐसे करिए, ये देखिए थोड़ा सा इस तरीके से लेकर हाथों पे मसल लीजिए अच्छी तरीके से। ये देखिए रगड़ दीजिए, ये देखिए गीला हो गया ना, क्योंकि इसमें जो बटर पड़ा हुआ है उससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। एक साइड ये लगा लेते हैं मूंगफली। लगाने के बाद इस तरीके से फटाफट उठा दीजिए, ये आपका सॉफ्ट हो जाएगा। ये जल्दी जल्दी बनाते बनेगा आपको। ये देख पा रहे कटोरी की तरह बना लिया। बस थोड़ा सा उठाइए और इस तरीके से रगड़ते हुए इसे गोला कर लीजिए। ये देखिए चलिए इसी तरीके से सभी को बनाकर रेडी करेंगे। फ्रेंड्स सभी को बनाकर रेडी कर लिया। अब ये जो चॉकलेट फिलिंग बनाकर रखी हुई है चलिए अब इसे भर देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इन सभी कटोरियों में आपको भरना है। इस तरीके से देखिए थोड़ा सा उठाकर थोड़ा उठाकर भरिएगा। चलिए इसी तरीके से तीसरे में भी भर दीजिए और उसके ऊपर लगाएंगे गोल्डन बॉल। देखिए जब इसे फ्रिज में रख देंगे तो ये सेट हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स इसी तरीके से बाकी सभी में रख देते हैं। इसी तरीके से सभी में चॉकलेट भर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स सभी के ऊपर ये चॉकलेट अप्लाई कर लिया है। चलिए अब इन सभी के ऊपर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा गोल्डन बॉल्स जिससे ये थोड़ा खूबसूरत लगे। ज्यादा नहीं, चार चार पांच पांच पीस ही। देखिए ये देख पा रहे हैं इसी तरीके से सभी पे लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये सभी बनकर रेडी हो गया। ये देख पा रहे हैं देखने में कितना आकर्षक लग रहा है। ये देखिए एक आपको दिखाते हैं पास से। ये देखिए लग रहा है ना आकर्षक। चलिए फ्रेंड्स अब इसे एक घंटे के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। जब ये जम जाएगा तब उसके बाद इसे कट करेंगे। जब ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा तब
सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा ये डिलीशियस स्वीट बनकर रेडी हो गया। फ्रेंड्स, ये चॉकलेट टेस्ट खाने में बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम एक कट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना शानदार लग रहा है। अंदर से एकदम क्रीमी क्रीमी और ऊपर से थोड़ा टफ टफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये डिलीशियस चॉकलेटी स्वीट कैसा लगा और खाने में कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय।